हाय गाइस, रुचि और विक्की के घोंसले में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ घोंसला। जैसे कि आपको टाइटल से समझ में आ गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। सो जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं एंड स्पेशली सिर्फ टूर देखने के लिए आए हैं, तो यहाँ पे मैं हर चीज़ का टाइम स्पेंड डाल दूंगी कि कहाँ से बिफोर आफ्टर स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे फाइनल रिवील हो रहा है और कहाँ मेरा ब्रीफ जा रहा है, DIY एंड ऑल दैट, सब चीज़ों का टाइम स्पेंड होगा। बिकॉज बहुत सारे लोगों को सिर्फ इस चीज़ से मतलब होगा कि टूर दिखाओ भैया और खत्म करो जल्दी, है ना। तो उनके लिए मैंने यहाँ पर टाइमिंग्स डाल दी हैं द ऑडियंस, जिनको भाई पूरा डिटेल में चाहिए होता है। मैं इसमें डिटेल्ड वीडियो बना रही हूँ लिविंग रूम मेकओवर का, जिसमें छोटी छोटी पॉइंट्स हर चीज़ में इंक्लूड करने वाली हूँ। वेरी वेरी एक्साइटेड टू शो द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस लिविंग रूम। व्हाट एवर द विजन आई हैड फॉर माई लिविंग रूम ना, ये एग्जैक्टली वैसे ही टर्न आउट हुआ है। जो मेरी नई ऑडियंस है और मुझे फर्स्ट टाइम देख रही है, कुछ चीजें मैं उनको बता देती हूँ। दिस इज अवर फर्स्ट होम विच वी परचेज, और जो भी डिजाइनिंग आप इस घर की देख रहे हैं ये पूरी मैंने ही करी है 95%। ये जो डोर है आगे वाला, वो विक्की ने डिजाइन किया है। बाकी सब कुछ पूरा जो डिजाइन है वो आईपैड पे ड्रॉ कर करके डिजाइन करी गई है एंड बड़े ही प्यार से डेकोरेट किया है और कोशिश किया है, क्योंकि हमारा बजट थोड़ा टाइट था, बजट फ्रेंडली भी हो। काफी सारी चीजें मैंने ओल्ड चीजें ही यूज करी है एंड हाँ, थोड़ा मैंने डेकोर की शॉपिंग भी करी है। सारे लिंक्स जो भी ऑनलाइन मैंने परचेस करे हैं, उन सब की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। तो जो बेस कलर है वो व्हाइट है एंड साथ में दिस वॉलनट कलर, ये दो बेस कलर हम लोगों ने चूज करे हैं। उसके ऊपर हमने जो दूसरा डोमिनेटिंग कलर दिया है वो गोल्ड दिया है, बट एट द सेम टाइम मैंने ये कोशिश किया है कि गोल्ड बहुत ज्यादा डोमिनेट ना करे। सो ऑल्सो बिफोर स्टार्टिंग अ वीडियो, प्लीज ये मत बोलना, मुझे पता है मेरे लास्ट वीडियोज में भी ये हमेशा कॉमेंट आता है, प्लीज ट्राई सम बेज कलर, दिस कलर, ढिमका कलर, फलाना कलर। आई लाइक पॉप ऑफ कलर्स, मैं एकदम ऐसे प्लेन न्यूट्रल घर में नहीं रह सकती हूँ। घर को हैप्पी दिखाने के लिए वाइब्रेंट कलर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम लोगों ने थोड़े थोड़े पॉप ऑफ कलर्स यूज करे हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट से। तो जैसे ही आप मेन डोर से एंटर करते हैं, यहाँ पर एक बड़ी सी विंडो आती है एंड उसी के जस्ट सामने हमारी बैल्कनी है जहाँ से काफ़ी अच्छी सनलाइट आती है। तो राइट हैंड साइड पे एक छोटी वॉल है एंड उसके पीछे किचन है, तो और इस तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड में है यहाँ पर एक नॉर्मल वॉल आती है बड़ी सी, एंड ये जो है ये हमारा डाइनिंग एरिया है। तो जिस वॉल पे हमने पहले सोफा रखा था, हम इस बार यहाँ पर टीवी यूनिट रखने वाले हैं। इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया था कि मुझे क्या चाहिए, और यहाँ पर डाइनिंग एरिया पे हम इस तरीके के क्रॉकरी यूनिट बनवाना चाह रहे थे। तो जब टीवी यूनिट हमारा फिक्स हो गया, तब हमने पूरे मेजरमेंट के साथ की कहाँ क्या कितने मेजरमेंट का होना चाहिए वो कारपेंटर को, ताकि अच्छे से समझ में आए। एंड थोड़ा बहुत मैंने डेकोर एलिमेंट्स एंड लाइट्स ऐड करके भी देखा कि यहाँ कैसा लगने वाला है। उसके बाद हम लोगों की जो फॉल सीलिंग थी उसमें हमने एक एक लाइट ड्रॉ करी है कि कहाँ पर हमको कौन सी लाइट चाहिए, क्या चाहिए। हमने स्विच बोर्ड्स थोड़े से स्विच करवाए हैं, तो जो क्रॉकरी यूनिट था वो हमने कैंसिल कर दिया। नाउ दिस इज द प्लान, जिसमें हमने जहाँ पर ये डॉलर का साइन दिख रहा है ना, दिस इज द स्विचेस, तो किसका स्विच किससे कनेक्ट होने वाला और कौन सी लाइट कहाँ लगने वाली, सब कुछ हमने प्लानिंग करा था ताकि कारपेंटर को अच्छे से समझ में आए। तो बिना DIY के मेरे जो मेकओवर है वो बिल्कुल ही इनकम्प्लीट है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है DIY करना, तो यहाँ पर मैंने कैनवस लिया हुआ है, वॉल आर्ट्स होते हैं वो मैं यहाँ पर ड्रॉ करने वाली हूँ। तो मार्केट में इस तरीके के वॉल आर्ट बहुत एक्सपेंसिव आते हैं, लाइक 2500-3000 से स्टार्ट होते हैं। तो जो चीज़ मैं खुद से बना सकती हूँ वो मैंने खुद ही बना लिया है। एंड आई एम रियली सॉरी, जब मैं ये बना रही थी तब मेरा ऑटोमेटिकली कैमरा ऑफ हो गया था। तो दूसरा वाला जो वॉल आर्ट बना रही हूँ ना मैं, उस टाइम पर मैंने थोड़ा बहुत शूट किया हुआ है। तो बहुत ही सिंपल एंड बेसिक से मैंने पिंटरेस्ट से आई थिंक एक आध दो डिज़ाइन निकाली थी, तो एग्जैक्टली पिंटरेस्ट वाले डिजाइन नहीं बना रही हूँ मैं, थोड़ा बहुत अपना भी मिक्स एंड मैच कर देती हूँ कलर थीम के अकॉर्डिंग कि मुझे एग्जैक्टली चाहिए कैसा। तो
दिस वॉज द सोफा जो हम लोग पहले यूज कर रहे थे, बट क्योंकि अभी जिस वॉल पे टीवी रखते थे वहां हमने सोफा रख दिया, तो यहाँ ये बहुत ही छोटू सा लग रहा है. तो इसको अब हम अंदर शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि आज हमारा नया काउच आने वाला है, विच आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट. तो ये अंदर वाले रूम में चला जाएगा एंड दिस इज द न्यू काउच जो भी आ गया है एंड परफेक्ट आया. ये हमने पूरा कस्टमाइज करवाया है अपने हिसाब से. उसके बाद मेरा एक ड्रीम था बहुत पहले से कि मुझे अपने घर में एक एक्सेंट चेयर चाहिए. मुझे ये बहुत टाइम से मन था और सबसे पहली चीज, मतलब सोफा से पहले मैंने इसको ऑर्डर कर दिया था. मैंने बोला सोफा कैसा भी आएगा बट विंग चेयर तो बॉस आनी ही आनी है इस बार. तो ये हम लोगों ने आइकिया से ली है. आप देख सकते हो नीचे से पूरी एकदम पोली है ये, मतलब हॉलो है. सो आई एम नॉट श्योर कि ये कितना स्टर्डी रहने वाली है या कितनी चलने वाली है, बट क्योंकि मुझे लेनी थी तो मैंने तो ले ली बॉस. अब देखा जाएगा कितनी दिन चलती है, क्या चलती है, वो आपको मेरे व्लॉग में रिव्यू में पता चल ही जाएगा. इवन आई एम नॉट श्योर कि ये कितना वेट झेल सकती है. कोई भी बेल बजाता है तो वी कैन लुक इन टू इट. ये हमको बिल्डर ने प्रोवाइड किया था, वो लगा हुआ है सिंपल सा. दिस इज द प्लांटर, ये फिडल लीफ प्लांट है और ये जो पाम ट्री है ये मेरे पास लास्ट 3.5 साल से रखा हुआ है. ये मैंने नया नहीं पर कोई भी फेक प्लांट मैंने नया नहीं परचेज किया, सब पुराने ही है. मैं प्रॉफिट मार्केट से लेकर के आई थी एंड उसी को मैं यूज करती हूँ. उसके नीचे मैंने पूफ रखा हुआ है जो कि पुराना मेरे पास था एंड साथ में यहाँ पर एक कुशन रख दिया है. नाउ कमिंग टू दिस, मुझे एक फुल लेंथ मिरर चाहिए था और मुझे यहाँ पर समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं एग्जैक्टली क्या रखूँ. मतलब काफी कंफ्यूज हो रही थी कि यहाँ पर साइड टेबल रखा जाए या क्या रखा जाए, बट मुझे टेबल नहीं रखना था, कोई ऐसी चीज रखनी थी जो कि मूवेबल हो. इस मिरर को मैं कहीं पर भी लेकर के जा सकती हूँ. मैंने आइकिया से एंड मूवमेंट पे मंगवाया है अपनी दोस्त से. सो दिस इज द मिरर. तो ये काफी अच्छी वाइब से यहाँ पर जा रहा है और घर को थोड़ा और बड़ा दिखा रहा है. दिस इज आवर सोफा जो कि हमने नया परचेस किया है एंड दिस इज अ 3-in-1 सोफा और मुझे बहुत ही पसंद आया. ये हमने कस्टमाइज करवाया है. मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी कि मुझे आइकिया का सोफा लेना है या ये सोफा लेना है. सो वी वर कंसिडरिंग कि हम पहले एल शेप का काउच लेते हैं यहाँ पर, बट एल शेप के काउच में मुझे वही लग रहा था कि मैं आई कैन नॉट प्ले लॉट ऑफ थिंग्स विद, वो बस एक तरफ परमानेंट हो जाएगा, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो. इसमें यू कैन चेंज राइट, यू कैन कीप एक्सटेंड चेयर समटाइम्स हियर समटाइम्स हियर समटाइम्स देयर. आप बहुत सारे वेरिएशंस लेकर के आ सकते हो, बट वो जो एल शेप का सोफा हो जाएगा वो हमेशा के लिए वैसा ही हो जाएगा. जो पीछे आप देख रहे हैं ना, ये आप आराम से इसको इस तरीके के लुक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं लाइक दिस. एंड इफ यू वॉन्ट टू यू नो थोड़ा
रिलैक्स मोड में आपको चाहिए तो आप इसको ऊपर कर सकते हैं. इट्स अ कन्वर्टेबल और अभी मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ कि एक्चुअली में ये कैसा दिखता है. दिस इज आवर सोफा कम बेड, सो यू कैन एंजॉय टीवी हियर. उसके सामने की स्पेस बताती हूँ. हाँ, वी कैन एंजॉय टीवी, सो वी कैन एंजॉय यू नो टीवी हियर. कोई आ रहा है एक्स्ट्रा तो यहाँ पर सो सकता है आराम से. सोफे को ओपन करने के बाद भी यहाँ पर एक अच्छी खासी स्पेस है. दिस इज द सोफा जो हम लोगों ने काफी सोच समझ के बनवाया है और हमने सोचा जब बनवा ही रहे हैं, इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, ऐसा बनवाते हैं कि भाई थोड़ा 5 साल तक हमको इसको देखने की जरूरत ना पड़े और मल्टीपल वो यूज में भी आ जाए. अब आते हैं सोफे के साइड में, तो यहाँ कुछ नहीं, हमने सिर्फ एक प्लांटर रखा है और यहाँ पर स्नेक प्लांट रखा है. दिस इज द रियल स्नेक प्लांट. तो यहाँ पर मैंने वही जो प्लांट लगाया है उसके ऊपर अपने ये प्लांटर्स लगाए हैं. तो आई थिंक जब से मैंने मेकओवर करना स्टार्ट किया है, आई थिंक ये तब से मेरे पास है और मैं हर मेकओवर में इनको यूज करती हूँ. बहुत सुंदर लगते हैं, आई डोंट नो, मैं इनसे कभी बोर नहीं होती हूँ. कमिंग टू दिस साइड, ये जो आप पेंटिंग देख रहे हैं, दीज आर द हैंडमेड पेंटिंग्स. ये फ्रेम्स मैं आइकिया से लेकर के आ गई थी और जो कलर्स मुझे अपने घर पे पसंद आते हैं लाइक ऑरेंज, ब्लू, येलो, ग्रीन, वो तीनों कलर्स मैंने इसमें डाल दिए हैं. आई रियली लव दीज कलर्स, लाइक परफेक्ट एंड नॉट दैट बैड, और इतनी बुरी भी नहीं लग रही है ये. तो यहाँ का जो पैनल आप ये देख रहे हैं, दिस इज द एसी पैनल. यहाँ पर बिल्डर ने हमको ऑलरेडी प्रोविजन दिया हुआ है जो कि एसी का है. वहाँ पर वायरिंग करी हुई है एंड एवरीथिंग, मतलब वो बिल्डर प्रोवाइडेड प्रोविजन है. दैट्स व्हाई हमने एक पैनल बनवाया एसी के लिए. हम नहीं भी बनवाते तो भी चलता, बट मैंने सोचा कर्टन रॉड जो है ना वो थोड़ी अंदर चली जाएगी. तो कन्फ्यूजन ये हो गया क्योंकि जब ये काम हो रहा था हम भोपाल मुंबई बहुत कर रहे थे, तो उनको ये कन्फ्यूजन हो गया. उनको लगा हम यहाँ पे चैनल वाला जो नहीं होता है कर्टन रॉड होती है, हम वो लगाएंगे. बट मुझे वो चैनल कर्टन रॉड नहीं लगाना था बिकॉज उसके जो कर्टन है वो बहुत मिनिमम हो जाते हैं, रेंज उसकी बहुत मिनिमम हो जाती है. आपको वो कस्टमाइज करवाना पड़ता है, ये वो इस तरीके के जो सिंपल अपने देसी कर्टन रॉड होती है इसमें फटाफट कहीं भी सस्ते महंगे सब मिल जाते हैं. तो इसलिए मैंने फिर ये चूज किया कि यार मुझे ज्यादा वो नहीं चाहिए कॉम्प्लिकेटेड वाले, ताकि मैं अपने पुराने कर्टन भी यूज कर पाऊँ. सो व्हाटएवर कर्टन्स यू आर सीइंग हियर, ये सब ओल्ड कर्टन है. मैं आइकिया से व्हाइट कलर के मेश कर्टन लेकर के आई हूँ. मुझे उनको थोड़ा ऑल्टर कराना है तो वो ऑल्ट्रेशन होने के बाद ही होगा. नाउ ये कर्टन इज 4 years ओल्ड कर्टन, जो कि भोपाल का एक सिटी मार्केट है, वहां से मैंने ये कर्टन लिए थे एंड दे वर वेरी वेरी चीप. उसके बाद हम लोगों ने एक और बेस्ट चीज क्या करवाई है यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं ना दिस विंडो, सो दिस इज द मेश विंडो. मतलब ये हमेशा हम ओपन ही रखते हैं बिकॉज वी आर नॉट द पीपल जो हमेशा 24 घंटे एसी में रहें या 12 घंटे एसी में रहें. अभी जैसे काफी अच्छी हवा चल रही है, मॉस्किटोस कोई भी इस तरीके की छिपकली विपकली ना आए, तो हमने ये लगवा कर ये हमने पूरे घर में करवाया हुआ है इस तरीके की मेशिंग काम. तो हमारे घर में मॉस्किटोज का जीरो वो है क्योंकि बिकॉज वी आर लिविंग ऑन द फर्स्ट फ्लोर, काफी ग्रीनरी है बाहर भी, तो मॉस्किटोज ये सब काफी ज्यादा ग्रीनरी रहती है, तो ऑब्वियसली मॉस्किटोज एंड अलग तरीके के फ्लाइज जो है वो अट्रैक्ट करती है ग्रीनरी. सो घर के अंदर ना आए इसके लिए हम लोगों ने ये लगा करके रखा हुआ है. तो आप जब यहाँ आएंगे तो ये सेंटर टेबल हमारा पुराना सेंटर टेबल है जो हमने अमेजन से परचेस किया था, बहुत ही सस्ता, आई थिंक 2500 या 2800 रुपए का मैंने ये सेंटर टेबल परचेस किया था. इसकी माइका हमने चेंज करवा ली है क्योंकि वो माइका थोड़ी रफ सी हो गई थी और ये सब कुछ मैच करे. और ये माइका इसलिए भी चेंज करवाई क्योंकि हमारे पास सन माइका ये बच गई थी, लेफ्ट ओवर थी, तो हमने बोला ये करवा लेते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज हो रही है. तो और ये एक पुराना ग्लास जार है जिसमें मैंने स्टोन्स डाल दिए व्हाइट कलर के और मनी प्लांट रख दिए हैं. और ये जो पूफ आप देख रहे हैं ये भी मेरे पास पुराने ही हैं जिनको मैंने जस्ट सिटिंग बढ़ाने के लिए यहाँ पर यूज कर दिए, अच्छे लगते हैं काफी क्यूट से. नाउ कमिंग टू दिस साइड अगेन, यहाँ पर वही दो रिंग्स जो है लॉर्ड ऑफ रिंग्स वो लगा करके रखी है. ये लैम्प भी जो आप ये व्हाइट लैम्प देख रहे हैं ना ये बहुत पुराने हैं मेरे पास, ये भी आई थिंक मेरे फर्स्ट मेकओवर से ही चलते आ रहे हैं और मुझे ये भी बहुत पसंद है. जबकि इस बार शिफ्टिंग के टाइम में ये दोनों लैम्प टूट गए मेरे, लेकिन हमें जो बोला था कि वी कैन चेंज देम, बट आई थॉट कि नहीं यार ये भी मेरे बड़े प्यारे प्यारे से लैम्प है और ये बहुत सुंदर लगते हैं, सो आई कांट चेंज देम. एक रियल मनी प्लांट रखा है और एक इस तरफ रियल मनी प्लांट रखा हुआ है. ये हमारा टीवी लगा हुआ है और ये जो टीवी यूनिट है ये हमारा पुराना टीवी यूनिट है, ये भी हमने हो गया इसको 3-3.5 साल हो गया है, लोकल कारपेंटर से बनवाया था. जो भी अभी नए लोग आए उनको ऐसा लगता है कि हमने कंबाइन करके बनवाया, जब उनको बताते हैं कि काफी पुरानी मेरी टीवी यूनिट है तो दे गेट अरे गंदी कैसे नहीं हुई है. तो यहाँ पर ये जो शेल्फ आप देख रहे हैं ये मैं आइकिया से लेकर के आई थी और बनवाने में ये हमको ज्यादा महंगी पड़ रही थी आइकिया से. डेफिनेटली मटेरियल इज जस्ट अ भूसा प्लाई, तो मुझे लगा यार शेल्फ में क्या ही मुझे बहुत हैवी मटेरियल चाहिए या खराब होना या नहीं होना, खराब हो जाएगी तब का तब देखेंगे. तो ये 3 शेल्फ में लेकर के आई थी 1100 रुपए में. होम सेंटर में यही शेल्फ 2200 रुपए की मिलती है, वो ग्लॉसी रहती है. प्यारी सी गोल्डन कलर की चीजें लगाई हुई है मैंने एंड दे आर वेरी अफोर्डेबल, कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं है. ये जो
पॉट्स हैं ये मैं आइकिया से लाई हूँ, ये दोनों जो फ्रेम्स है मार्केट 99 के, ये आइकिया का है और ऊपर जो क्लॉक है वो आप बिलीव भी करोगे कितने के मैंने लिए, ये सिर्फ 280 या 300 रुपीज़ की मैंने भोपाल से परचेज करी थी बहुत पहले। मुझे पता था कि मैं यही थीम बनाने वाली हूँ अपने घर का, आई वॉज श्योर हियर, सो मुझे पता था कि एकदम थीम से जाएगी जाएगी, तो मैंने इसको लिया है। तो ये बहुत प्यारा लुक लगता है। यहाँ घर के साइड में आते हैं, हमारा जो मंदिर है वो हमने रख रखा है, तो विक्की का शुरू से ही ऑब्जेक्टिव रहा है कि भगवान के मंदिर को कभी भी हैंग नहीं करना है। तो आप हमारे शुरू से देखिए, पहले हमारे पास जगह नहीं थी तो हम फ्रिज के ऊपर रख रहे हैं या किसी चीज़ के ऊपर रख रहे हैं, हमेशा वो इस चीज़ से बड़ा स्ट्रिक्ट रहता है कि भाई भगवान का जो मंदिर है उसको हैंग नहीं करना है, भगवान को टांगना नहीं है, उनको बैठने के लिए स्थान होना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने ये जो यूनिट है जो पहले बेडरूम में मेरी रखी हुई थी, ये आइकिया की यूनिट है एंड काफ़ी सही है, इसमें भगवान का काफ़ी सारा सामान हमारा आ गया है और जो ऐसे छुटर पुटर सामान होता है लाइक सीजर विजर वो सब चीज़ें हमने यहाँ पर, बहुत बड़ा मंदिर नहीं परचेस किया है। इसमें दो साइज थे, एक तो यहाँ तक का फुल एंड देन फुल, एंड मैं वो फुल मंदिर बड़ा मंदिर लेने के लिए ज़्यादा फेवर में थी। जिस शॉप से ये परचेस किया था ना उनके पास ये ऑप्शन था कि आप एक अमाउंट दे दो, हमने उनको एडवांस दे दिया था एंड देन दोनों जो मंदिर हैं वो उनने लेकर के आए, हमने यहाँ पर रख के देखा बकायदा, तो ये मंदिर हमको बहुत सही लग रहा था। ये पहली नज़र में जो मुझे मंदिर पसंद आया था वो यही मंदिर है, मतलब इसके बाद मैंने इतने मंदिर देखे, मार्बल के देखे हैं, सनमाइका वाले देखे हैं, वुड वाले कार्विंग वाले देखे हैं, हर तरह के मंदिर देखे हैं, बट दिस इज़ द मंदिर जो मेरी नज़रों में एकदम बैठ गया था, मुझे इतना सुंदर लगा था ये, मैंने बोला इसके अलावा मुझे कोई और मंदिर चाहिए ही चाहिए नहीं। प्रॉपर एकदम थीम में भी जा रहा है, जो व्हाइट एंड गोल्डन कलर की हमारी थीम है ये बिल्कुल उनको फॉलो कर रहा है एंड बड़ा प्यारा सा मंदिर है ये, मतलब मुझे तो बहुत पसंद है, आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा। मंदिर आता है, मंदिर के साइड में हमारा किचन है और यहाँ पर ये पोर्च एरिया है, सो इधर पे भी हमने जो लाइट लगाई हुई है वो गोल्डन थीम में ही जा रही है, मतलब लाइट सब एक दूसरे से सिंक हुई है और ये जो लाइट्स हैं ये कोई भी मैंने एक शॉप से नहीं खरीदी है, सब अलग अलग जगह। उसके बाद यहाँ साइड में आते हैं तो ये हमारा जो पुराना सबसे फर्स्ट डाइनिंग टेबल है वो एकदम सॉलिड वुड का डाइनिंग टेबल था, हमने इसको एज अ स्टोरेज यूनिट घर पे ही बनाया है और इसके ऊपर हमने सनमाइका चेंज करवाई है, नीचे की सेम ही है ऊपर की हमने सनमाइका चेंज करवा दी है और उसके यहाँ पर ये जो दो शेल्स हैं ये आइकिया के लगाए हैं। द कॉर्नर इज लुकिंग प्रिटी गुड, थोड़े फ्लावर्स ऐड करे हैं कलर्स ऐड करने के लिए, उसके बाद यहाँ पर हमने वाइन ग्लासेस ऐड कर रखे हुए हैं और ये मैंने रोज गोल्ड कलर के बड़े ही प्यारे से, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, दे आर वेरी वेरी प्रिटी ग्लासेस एंड ये स्टेनलेस स्टील के हैं जो कि टूटेंगे फूटेंगे नहीं। ये जो आप पॉट देख रहे हैं पेस्टल कलर का ये मैंने आइकिया से परचेस किया था, ये एंड ये, और ये तो मेरे पुराने हैं, मुझे एक ब्रांड ने पीआर प्रोडक्ट की तरह भेजा था ये, एंड दीज आर द कैंडल्स जो कि आइकिया की हैं। और यहाँ पर ये जो आप फ्लावर वास देख रहे हैं दिस इज फ्रॉम मार्केट 99, 700 रुपीज का था, इट लुक्स अमेजिंग और बहुत क्लासी लगता है ये। उसके बाद आते हैं हमारे डाइनिंग टेबल की तरफ, तो फॉर्चुनेटली ये जो डाइनिंग टेबल है ये हमने वैसे तो लास्ट ईयर परचेस किया था आइकिया से एंड सबसे बेस्ट पार्ट इस डाइनिंग टेबल की ये हुई है कि इसका जो कलर है वो हमारे बाकी सनमाइका के कलर से मैच होता है, हल्का सा स्लाइट डिफरेंस है, बहुत आप ध्यान से देखोगे तो 19-20 का फर्क है, बट इट लुक्स एकदम जेल हो जाता है ये पूरी तरह से। अदरवाइज मैंने यही सोचा था कि मैं इसकी भी जो टॉप सनमाइका है वो चेंज करवाऊंगी, बट जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये पूरा जेल हो गया आराम से हमारे इस करंट एग्जिस्टिंग फर्नीचर के साथ। सो ये हमारा डाइनिंग टेबल है, 4 सीटर, ज्यादा क्लटर नहीं किया है। गोल्डन ग्लास की मैंने ट्रे रख रखी है, ये भी मेरे पास काफी पुरानी है और आई थिंक मैंने मार्केट 99 से परचेस करी थी, उसमें मैंने ये रोज गोल्ड कलर की बड़ी प्यारी सी कटलरी रख रखी है जो कि मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, दिया वेरी 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 प्रिटी। उसके साथ में यहाँ पर गोल्डन कलर के कोस्टर्स हैं, ये बड़े प्यारे से गोल्डन कलर के काले नमक का बॉटल रख रखा हुआ है। और अब आते हैं मिरर के ऊपर, एंड पहले ये दो खरीदे थे एंड दो जो थे वो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं थे, थाने में तो स्पेशली अवेलेबल नहीं थे, इतने सारे मार्केट 99 के मैनेजर से बात करके जैसे जैसे अरेंज करवाया है वो लगाए थे ना, बहुत खाली खाली सा समथिंग इज मिसिंग वाली फीलिंग आ रही थी एंड वेन जब हमने ये दो लगा दिए ना तो ये पूरा एक प्रॉपर कंप्लीट लुक आ रहा था इसका। सो ये हमने यहाँ पे मिरर लगाए हैं और ये बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं थे, ये 700-700 रुपए के हैं मिरर्स, विच इज़ अ गुड डील। आप नॉर्मल मार्केट में मिरर बनवाते हो ना इस तरीके का तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है, मतलब 7-8 हज़ार का पड़ता है, तो ये हमको काफ़ी सस्ते में पड़ गया यहाँ पे और वो लग भी बहुत अच्छा रहा है, हमारी थीम से जा रहा है। तो आप जब डाइनिंग टेबल के साइड में आते हो तो एक स्पेस आती है जहाँ पर पहले जब मैं पहले रेंट के घर में रहती थी
तो मैंने वो जो यूनिट है डाइनिंग वो यहाँ पे रखी थी और यहाँ पर अपना एक फोटो वॉल बना करके रखा था। इस बार मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट्स और एक सिटिंग का एरिया बना दिया है। उसके बाद ये जो आप लैम्प देख रहे हैं ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था। स्टैंड है ना वो गोल्डन कलर का है, बहुत स्टर्डी नहीं है, ये थोड़ा हिलता है। आपको यूजुअली जो फ्लोर लैम्प्स होते हैं वो एक कॉर्नर में ही रखना होता है, तो अगर थोड़ा फ्लिमजी है भी तो डजंट मैटर मच। उसके बाद डाइनिंग टेबल के बाद आते हैं माय फेवरेट एक्सेंट चेयर। ये सोच के रखा था भले स्पेस हो चाहे नहीं हो मैं कहीं ना कहीं इसको फिट जरूर करूंगी, लेकिन आई वॉन्ट अ हाई बैक विंग चेयर, मुझे चाहिए ही चाहिए थी। तो जब ये आई थी तो विक्की बोल रहा था इसको वापस कर दो बिकॉज ये थोड़ी बड़ी बड़ी लग रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मैं तो भाई मैंने बोला यार भली 2 साल रखूंगी इसको फिर सेल कर दूंगी, बट मुझे अभी तो चाहिए ही चाहिए, मुझे अपना शौक पूरा करना है। सो इतना मजा आता है ना इसमें बैठने के। पहले मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पर कुछ करती इस वॉल पे कि ये खाली खाली ना लगे, बट आई थॉट कि यार कुछ चीजें बात के लिए भी रखते हैं बहुत सारी, जैसे विक्की फेवर में था कि यहाँ पे वॉल पेपर लगाया जाए। आई थॉट यार सब कुछ अभी नहीं करते हैं, कुछ चीजें हम बात के लिए रखते हैं। सो ये जो शैंडलर है ये भी मेरा पहली नजर का प्यार है, मतलब एक बार शैंडलर देखने के बाद मुझे कोई और शैंडलर पसंद आया ही आया नहीं था। दिस इज गोइंग विद द थीम वेरी वेल, हम लोगों ने जो थीम फॉलो करी है इट्स मॉडर्न कंटेम्प्रेरी थीम। यस दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बताइएगा जरूर कि आपको सबसे अच्छा कॉर्नर कौन सा लगा है और पूरा जो लिविंग रूम है वो आपको कैसा लगा है। सो यस दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।